वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। कि अगर हमारे पास एक अनग्रुप डाटा आ जाए और उसके क्वांटाइल्स हमने फाइंड करने हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियन का फार्मूला लिखा है। सबसे पहले मीडियन मैंने फाइंड तो नहीं करना, लेकिन इसलिए फार्मूला लिखा है क्योंकि जिस तरह आप मीडियन का मीडियन फाइंड करते थे अनग्रुप डाटा का, सेम उसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और आपने बाकी जो क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं या फिर परसेंटाइल्स हैं, ये चीज़ें फाइंड कर लेनी है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको इन तीनों के फार्मूलाज बता चुका हूं अनग्रुप डाटा के लिए, तो एक दफ़ा वो लेक्चर भी सुन लें आप और उसके बाद आप यहां पर इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा मौजूद है 2437465468। तो इसका अगर मुझे क्वेश्चन आता है या कोई भी डाटा मेरे पास मौजूद हो और एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसके क्वार्टाइल्स फाइंड करें या फिर डिसाइल फाइंड करें इसके या फिर परसेंटाइल्स को फाइंड करें, तो हम बड़ी आसानी से वो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप मीडियन के अंदर करते थे, सेम वही काम आपने यहाँ पर करना है कि डाटा को आपने अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम, चाहे आपका मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हों, डिसाइल्स हों या फिर परसेंटाइल्स, आप फाइंड करें, क्योंकि मीडियन भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। जिस तरह क्वांटाइल्स की ये तीन टाइप्स हैं, उस तरह चौथी जो टाइप है वो मीडियन भी इसी की एक टाइप है क्वांटाइल्स की। तो सेम प्रोसेस जो आप इसके अंदर करते थे वही प्रोसेस आपने यहाँ पर भी करना है। तो मेरे पास जो डाटा मौजूद है 2437465468, इसको आप अरेंज करके लिखें, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ चले जाएं या फिर बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं। डाटा में देखें, सबसे जो छोटी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है वो मौजूद है 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। उसके बाद देखें डाटा के अंदर 3 भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लूँगा। इसके बाद डाटा के अंदर 3 के बाद रिपीट तो नहीं हो रहा कोई, 4 है, और 4 के बाद अगेन एक दफ़ा 4 आ रहा है और अगेन 4 आ रहा है, यानी 3 दफ़ा 4 है, तो उनको मैं इकट्ठा लिख लूँगा इधर। फिर देखें इसके बाद 5 मौजूद है डाटा के अंदर और सिंगल टाइम मौजूद है, तो 5 लिख लेता हूँ एक दफ़ा। उसके बाद जो 6 है वो 2 दफ़ा मौजूद है, तो 6 को 2 दफ़ा लिख लें 6। 7 भी मौजूद है यहाँ पर और इसी तरह 8 भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक दफ़ा वैल्यूज़ गिन लें सारी की, क्योंकि पहले भी 10 वैल्यूज थी, तो क्या अरेंज करके भी 10 वैल्यूज लिखी हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो डाटा को मैंने अरेंज कर लिया है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ भी लेके आ सकते हैं। तो अभी हमने अगर इसका क्वार्टाइल फाइंड करना है तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? आपको पता है क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3। तो अगर मैंने इसका Q1 फाइंड करना है तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले मैं इसका Q1 फाइंड करके बताता हूँ आपको। तो Q1 इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला लिखना है सेम ये फार्मूला लिखना है, जस्ट आपने क्या करना है, जोन से नंबर वाला क्वार्टाइल फाइंड करना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है N+1, यानी सेम मीडियन वाली चीज के साथ, और डिवाइड आपने करना है इसको 4 के साथ, क्योंकि ये क्वार्टाइल्स हैं लेकिन यहाँ पे 2 था क्योंकि ये मीडियन है, तो TH ये चीज। अब देखें एन आपके पास है 10, तो यहाँ पे मैं करूँगा 1 × 10+1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 11/4, यानी इसको मल्टीप्लाई करें वो फिर 11 बनेगा। तो 11 को अगर 4 के ऊपर डिवाइड करें तो ये मेरे पास आ जाता है 2.75। तो ये मेरी पोजीशन आई है, इसके ऊपर TH, यहाँ पर भी TH लिख लें, यानी इस पोजीशन के ऊपर अगर मेरे पास डाटा 2 से लेकर 8 तक फैला हुआ है तो जो इस पोजीशन के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, क्योंकि अगर क्वार्टाइल का मतलब है डाटा के 4 हिस्से करना, तो मैंने पहला जो हिस्सा है यानी 4 में से जो पहला हिस्सा है वो ढूंढना है कि 4 में से जो पहला हिस्सा है उसके ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी। तो इस नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर आएगी तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर तो मेरा यहाँ पर एग्जैक्ट एक नंबर आता जैसे 2 आ जाता पूरे का पूरा, तो फिर जो सेकंड वैल्यू थी वो मेरा क्वार्टाइल होना था। इसी तरह अगर मेरा यहाँ पर आंसर आ जाता 3 आ जाता, तो फिर जो तीसरी वैल्यू थी वो मेरा क्वार्टाइल होना था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2.75, यानी वो पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ न्यू होगी आपके लिए, इस चीज़ को अपने गौर से देखना है कि यहाँ पर हमने इसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड, यानी जो पोजीशन पूरी है ना, यानी ये एक नंबर है पूरा 2, इससे बाद में 0.75 आता है, ठीक है। तो आपने इसका पूरा नंबर लिखना है यानी सेकेंड वैल्यू, फिर प्लस कर देना यहाँ पर जो नंबर होगा यानी पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको इसमें प्लस करना है 0.75।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप अभी भी दोनों को प्लस करें तो 2.075 ही बनेगा। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, आप न्यू स्टेप ये करना है आपने कि जो अभी सेकंड वैल्यू आपकी सिलेक्ट हुई है यानी सेकंड वैल्यू, तो आपने क्या करना है, इससे जो बड़ी वैल्यू होगी यानी सेकंड से बड़ी थर्ड वैल्यू है, तो आपने यहां पर 3 थर्ड वैल्यू माइनस सेम सेकंड वैल्यू लिखनी है आपने। तो ये न्यू एक चीज है आपके लिए, न्यू एक फॉर्मूला इसको कह लें कि जो भी यहां पर वैल्यू आएगी देख लें दोबारा से, 2 है तो सेकंड प्लस यानी पॉइंट के बाद जो भी लिखा, तो आपने 0.75 लिख लेना यहां पर, अगर 2.25 होता तो यहां पर आपने 0.25 लिखना था। और इस तरह यहां पर अगर 2 है तो 2 से बड़ी 3 है, 3 वैल्यू आती है, तो थर्ड वैल्यू माइनस दोबारा से यानी उससे पिछली वैल्यू सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है। अब हम देखते हैं डाटा के अंदर जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, डाटा के अंदर सेकंड वैल्यू जो है वो 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस 0.75 इंटू थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू मेरे पास 4 लिखा हुआ है, 4 माइनस और सेकंड वैल्यू मैंने पुट करनी है तो यहां पर मेरा 3 लिखा हुआ है। तो यहां पर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहां पर मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा, 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.75 ही आएगा, और 0.75 को 3 में प्लस कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.75। तो ये मेरा फाइनल Q1। सिमिलरली अब हम यहां पर Q2 को फाइंड करते हैं, तो Q2 के लिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं Q2 का। पहले Q2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल है तो मैं यहां पे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय सेम वही चीज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि क्वार्टाइल्स हैं 4 हिस्सों में तकसीम करना है तो 4 पे ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर क्योंकि ये पोजीशन होती है तो th लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इनटू n मेरे पास 10 है यानी ये 10 वैल्यूज है मेरे पास टोटल, 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.5। और ऊपर टी एच आपने लाजमी लिख लेना है क्योंकि ये मेरे पास एक पोजीशन है, ये मेरा आंसर नहीं है Q2 का। तो अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर गलती ये भी कर देते हैं कि अगर 5.5 आंसर आ गया है तो वो ये समझते हैं कि ये जो 5.5 है ये मेरा आंसर आया है, नो ये आंसर नहीं है, ये जस्ट पोजीशन है कि ये इस पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपका आंसर होगा। तो अभी हम देखते हैं कि आगे से हमने इसको कैसे डील करना है। तो देखें, एक होल नंबर नहीं है मेरे पास, ये पॉइंट में आ गया तो जो पूरा नंबर है 5 नंबर मेरे पास पूरा है तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं और प्लस कर देता हूं इसके अंदर जो इसके आगे नंबर है फालतू 0.5, और 5 आया यहां पर, जिस तरह यहां पर मेरा 2 आया था सेकंड वैल्यू, तो मैंने क्या किया, सेकंड से आगे वाली जो वैल्यू है थर्ड वैल्यू माइनस दोबारा से सेकंड वैल्यू की। इसी तरह अब मेरे पास 5 आया तो मैं यहां पर 6 वैल्यू करूंगा यानी छठी वैल्यू माइनस इससे प्रीवियस वैल्यू जो मेरे पास होगी फिफ्थ वैल्यू, ये चीज मैं करूंगा यहां पे। तो अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, तो फिफ्थ वैल्यू मेरे डाटा के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, ये 4 आ गया यानी पांचवें नंबर पे 4 पड़ा हुआ है, प्लस 0.5 इनटू सिक्स्थ वैल्यू मेरे पास 5 है माइनस 4, और फिफ्थ वैल्यू मेरे पास है 4 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 4 प्लस 0.5 इनटू 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0.5 आएगा, इसको इसके अंदर ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका 4.5। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये मेरे पास अब Q2 का आंसर आया है, या फिर ये कहने के अगर मैं इसका मीडियन फाइंड करूं इस मेथड के साथ तो भी मेरे पास जो आंसर है वो इसका सेम आएगा। अब इवन का जो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है वो भी लगा के देख लें, इवन मेथड से भी आपका यही आंसर आएगा जो भी आपका क्वार्टाइल 2 का, क्योंकि आपको पता है Q2 और मीडियन आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह हमने फाइंड करना है Q3, Q3 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, Q3 इज इक्वल टू, तो यहां पर सबसे पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है अपने फॉर्मूला को जहां पर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी आपने थर्ड क्वार्टाइल को फाइंड करना है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल्स फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर इसकी पोजीशन th, सेम इसी तरह आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये मेरे पास बनेगा 3 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 33
डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.25। दोबारा बता रहा हूं, ये आंसर नहीं है, ये जस्ट क्या है, ये उस पोजीशन को बताएगा जहां पे हमारा आंसर पड़ा हुआ है। तो अभी हम अपनी पोजीशन को देखते हैं कि डाटा के अंदर जो 8.25 पोजीशन है यह कहां पे पड़ी हुई है। तो इस तरह की तो कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि डाटा के अंदर तो एग्जैक्ट मेरे पास कितनी पोजीशन है, या तो फर्स्ट पोजीशन है या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 8.25 जो वाली पोजीशन है वो मेरे पास नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए फिर आसान तरीका इसका ये होता है कि ये देखें, यानी जो पोजीशन पूरी पड़ी हुई है मेरे पास वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, 8th पोजीशन पड़ी हुई है प्लस 0.25 लिखेंगे जो कि यहाँ पर फालतू है, एक्स्ट्रा चीज आ रही है मेरे पास अभी। तो 8th पोजीशन देखे मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ये 6 पड़ा हुआ है, लेकिन 0.25 वाली पोजीशन मुझे कहीं पे नहीं मिलेगी। तो इसको ड्राइव करने के लिए कि 0.25 जो एक्स्ट्रा मेरे पास चीज आ रही है इसका भी तो कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इससे जो बड़ी पोजीशन होती है, ये 8वीं पोजीशन सेलेक्ट हुई है तो 8 से बड़ी 9वीं पोजीशन जो है, तो 9th पोजीशन माइनस 8th पोजीशन, क्योंकि जो ये वाली चीज है ये इसी के अंदर पड़ी हुई है, इन दोनों के दरमियान में पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि 8 से तो बड़ी है ना, तो 9 से छोटी है, तो 9 और 8 के दरमियान में ये चीज पड़ी होगी। तो यहाँ पर इसका डाटा पुट करते हैं, तो 8 पोजीशन जो मेरे पास मौजूद है डाटा के अंदर वो है 6 प्लस 0.25 इंटू जो 9th पोजीशन है मेरे पास डाटा के अंदर वो है 7, तो 7 माइनस 8 पोजीशन 6 है। इसको सिंप्लीफाई करें मजीद आप, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस 0.25 इंटू 1। इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और फिर इसको ऐड कर लें, तो मेरे पास आंसर आएगा 6.25। इट्स मीन अगर हम डाटा के चार हिस्से करें, ये जो डाटा मेरे पास मौजूद है इसके अगर हम चार हिस्से करते हैं तो उसका जो फर्स्ट हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है क्वार्टाइल 1, तो वो आएगा 3.75। इस तरह जो उसका मीडियन या फिर Q2 है वो 4.5 आएगा, और इसी तरह जो इसका लास्ट यानी Q3 है वो मेरे पास 6.25 आएगा। तो इस तरह हमने जितने भी अनग्रुप डाटा के हमारे पास क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं वो हमने इसी मेथड से फाइंड करने हैं। सिमिलरली डिसाइल और परसेंटाइल भी फाइंड करने हैं, और वो हम उसकी जो प्रैक्टिस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसकी आप अभी प्रैक्टिस करें, और इसमें आपको जो भी इशू आता है वो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस करें मुझसे, ताकि आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए।